हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन, कैसे कैसे हैं हैं आप आप सब लोग? सब लोग? दोस्तों दोस्तों, आज हम अपने इस प्रेजेंटेशन में 26 तारीख तक का, 20 से 26 तारीख तक का वीकली करंट अफेयर कवर करेंगे। जिन्होंने भी हमारा कुछ सेशन मिस कर दिया हो, वो इस सेशन को देख के इस पूरे वीक का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। तो बिना देरी करे हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन। सबसे पहले दोस्तों, हम नेशनल न्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले आईआईटी दिल्ली दोस्तों, इंडिया का पहला एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना है, जिसने कोविड-19 की टेस्टिंग किट, रियल टाइम टेस्टिंग किट जो है वो बनाई है, और ये पीसीआर टेक्निक पे बेस्ड है। पीसीआर टेक्निक दोस्तों ऐसी टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, जिसमें दोस्तों क्या होता है, डीएनए का जो सैंपल लिया जाता है उसको एम्पलीफाई करा जाता है। एम्पलीफाई करके लार्ज अमाउंट में उसको, मतलब छोटे से सैंपल को एक लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट करके उसकी बेटर स्टडी की जाती है पीसीआर टेक्निक की हेल्प से। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने दोस्तों किसान रथ ऐप लॉन्च करा है। ये ऐप जो है, जो फार्मर्स हैं और ट्रेडर्स हैं उनको राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पहचानने के लिए ये बनाया गया है। किस समय उन्हें फार्मर्स है उन्हें किस समय बाजार में अपनी फसल लेके आनी है, ट्रेडर्स को अपनी फसल लेके आनी है या जो डीलिंग होनी है, उस ये ऐप जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी ट्रेडर्स और फार्मर को। मध्य प्रदेश में दोस्तों मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू करी गई है, जिसमें जितने भी हेल्थ वर्कर आ रहे हैं, डॉक्टर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ऐसे जितने भी लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, उनके लिए एक इंश्योरेंस स्कीम है 50 लाख रुपीज की। अभी दोस्तों सेंटर ने क्या करा है कि एक्साइज ड्यूटी जो होती है, जो पेट्रोल और डीजल पर लगती है, उसे 8 रुपए बढ़ा दिया है। अभी तक दोस्तों पेट्रोल पे मैक्सिमम 12 रुपीज की एक्साइज ड्यूटी लगती थी और डीजल पे 4 रुपए की मैक्सिमम एक्साइज ड्यूटी लगती थी, पर अब केंद्र ने इसे 8 रुपए बढ़ा दिया है। और केंद्र ने इसे 8 रुपए बढ़ा दिया है, और जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर है अब जो है वो 18 रुपए हो गई है और डीजल पे 12 रुपए हो गई है। गोवा दोस्तों इंडिया का पहला राज्य बन गया है जो कि कोविड-19 से फ्री हो गया है। और गोवा के बाद अब कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेशन थे वो भी, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, ये भी जो है अभी कोविड फ्री हो चुके हैं, और ये अच्छी बात है काफी इंडिया के लिए। और गोवा में ही देखें दोस्तों, इस हफ्ते में तो 36th नेशनल गेम्स जो है वो भी गोवा में कंडक्ट होने वाले हैं। अब किस समय होंगे इस ईयर, ये थोड़ा देखना पड़ेगा आगे। और यहाँ के भी दोस्तों 11th सीएम है, वो है प्रमोद सावंत जी, जो कि खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और कोविड-19 के इस समय में, इस पैंडेमिक के समय में, वो भी अभी ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस करने लगे हैं। अभी दोस्तों 24 तारीख को ही पंचायती राज डे था, और पंचायती राज डे में दोस्तों दो बड़े अनाउंसमेंट करे थे गए थे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पहला दोस्तों एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है, जो कि ग्राम पंचायत को डिजिटाइजेशन की तरफ ले जाएगा। दूसरी दोस्तों स्वामित्व स्कीम लॉन्च हुई है, इसके थ्रू जो है जो रूरल लैंड्स हैं और उनका सर्वे होना है ड्रोन की मदद से, और लेटेस्ट सर्वे मेथड की मदद से डिजिटल सर्वे होना है उनका, और ये पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू 6 स्टेट्स में जो है ये चालू किया जाएगा। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं वो हैं नरेंद्र तोमर जी, और कॉन्स्टिट्यूशन के 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज जो डे है जो है ये कानून लाया गया था 1992 एंड 1994 में आई थिंक। अभी दोस्तों दिल्ली में पासिंग आउट परेड हुई, 51st बैच ऑफ डायरेक्टली अपॉइंटेड गजेटेड ऑफिसर का, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ए पी महेश्वरी हैं, और सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको 1939, 27 जुलाई 1939 को फाउंड हुआ था सीआरपीएफ, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, और इसका जो मोटो है सेवा और निष्ठा है। दोस्तों
अंबुबाची मेला है जो कि गुवाहाटी में लगता है, गुवाहाटी के कामाख्या टेम्पल में हर साल होता है। अभी दोस्तों वहां पे ये मेला लगने वाला था, वो कैंसिल हो गया कोविड-19 के पैंडेमिक को देखते हुए। दोस्तों कामाख्या टेम्पल जो है ये 51 शक्ति पीठ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनमें से एक है। और 51 शक्ति पीठ में से जो है दोस्तों 38 शक्ति पीठ जो है वो इंडिया में ही आते हैं। और दोस्तों ये कामाख्या टेम्पल के पास ही दोस्तों एक और टेम्पल बनाया जा रहा है, काफी बड़ा टेम्पल बनाया जा रहा है, जहाँ पे जितने भी 51 शक्ति पीठ हैं उसकी रेप्लिका रखी जाने वाली है। अभी दोस्तों हैदराबाद में तेलंगाना में मोबाइल लैब बनाई जा रही है कोविड-19 के सैंपल कनेक्शन के लिए। और इसके लिए दोस्तों डीआरडीओ ने और हैदराबाद का एक इंस्टीट्यूट है ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसने दोस्तों ये मोबाइल लैब जो है स्थापित करी है कोविड-19 के सैंपल कलेक्शन के लिए, और देश में पहली ही ऐसी मोबाइल लैब बनाई गई है। मणिपुर दोस्तों थर्ड स्टेट बन गया है, मैं आपको बता ही रहा था, पहला गोवा बन चुका है। और मणिपुर से पहले अरुणाचल प्रदेश भी कोविड-19 फ्री जो है हो चुका है। मणिपुर दोस्तों इसकी कैपिटल है इम्फाल, यहाँ के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है एन बीरेन सिंह सॉरी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने दोस्तों कोविड इंडिया सेवा करके एक पोर्टल लॉन्च करा है। इसमें दोस्तों कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी क्वारी सिटीजन की वो यहाँ पे डील करी जाएंगी। डीजीपी ऑनर फॉर एक्सेम्पलरी सेवा टू सोसाइटी जो है वो दिया गया है। 15 मेंबर टीम थी PIGMR MER की, जिन्होंने दोस्तों आपने सुना होगा बीच में एक न्यूज आई थी कि ड्यूटी करते हुए एक ASI का हार्ट अटैक दिया गया था पटियाला मंडी के पास पटियाला में, तो जिन डॉक्टर्स की टीम ने उनका हाथ दोबारा जोड़ा, भगवान की दुआ से उन ASI का हाथ जो है वो वर्क भी करने लगा, रिस्पॉन्ड कर दिया जा ट्रीटमेंट को, तो वो 15 डॉक्टरों की टीम जो थी वो PGIMER की थी, PGIMER हॉस्पिटल की थी, और उसको DGP ऑनर फॉर एक्सेम्पलरी सेवा टू सोसाइटी दिया गया है। दोस्तों भारत सरकार की एक लाइफलाइन उड़ान करके एक फ्लाइट है, जिसके तहत दोस्तों अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के कंट्री के बाहर भी जो है वो मेडिसिन मेडिकल इक्विपमेंट जो है प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। कोविड-19 से रिलेटेड जितनी मेडिसिन है मेडिकल इक्विपमेंट है प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और अब तक दोस्तों तकरीबन 500 टन के आसपास ये जो है कार्गो ले जा चुका है इतना, और अभी तक दोस्तों तकरीबन 3 लाख किलोमीटर के आसपास इसने इस लाइफ लाइन उड़ान ने कवर कर लिया है। हमारे दोस्तों जो प्रिंसिपल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो है संजीव सान्याल जी। अब दोस्तों ये नेशनल न्यूज़, अब हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों सार्क ग्रुप की जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग हुई, और इसको जो है चेयर पाकिस्तान ने करा था, पाकिस्तान ने इसको होस्ट करा था, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी कोरोना वायरस पैंडेमिक के कैसे डील करना है सार्क नेशन को उसके थ्रू। उसके लिए आप जानते हैं दोस्तों सार्क नेशन जो है वो यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसमें दोस्तों अफगानिस्तान बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव्स नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 कंट्रीज आती हैं। और इसका फाउंडेशन दोस्तों 1985 8 दिसंबर में हुआ था, ढाका बांग्लादेश में इसका फाउंड इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है उस काठमांडू नेपाल में है, और इसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है एसला वेराकुल जो कि श्रीलंका के हैं। हबल टेलीस्कोप दोस्तों काफी पुराना टेलीस्कोप है, 30 साल दोस्तों इसको हो गए हैं स्पेस में। 1990 में इसको अर्थ के ऑर्बिट में जो है इसको सेटअप करा गया था, और इसने साइंटिस्ट को काफी हेल्प करी है स्पेस रिसर्च करने में। काफी इसने अच्छी फोटोज जो है स्पेस की जो है हेवनली बॉडीज की हैं मिल्की वे की हैं वो प्रोवाइड करवाई हैं इस 30 ईयर के अपने जर्नी में।
स्विट्जरलैंड के दोस्तों एक माउंटेन है मैटरहॉर्न माउंटेन, इसमें दोस्तों इंडिया का फ्लैग प्रोजेक्ट करा गया। और ये इंडिया के जो एफर्ट्स हैं जो COVID-19 में फाइट करने के लिए इंडिया ने जो करे हैं उसको सैल्यूट करने के लिए स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने जो है मैटरहॉर्न माउंटेन पे इंडियन फ्लैग को जो है वो प्रोजेक्ट करा। स्विट्जरलैंड की बड़ी माउंटेन्स में से एक माउंटेन है ये मैटरहॉर्न माउंटेन, और 14,626 92 फुट ऊंची माउंटेन है ये। देखिए दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि जो अमेरिका है उसने जो फंडिंग है वो रोक दी है WHO की, तो चाइना ने अभी $30 मिलियन प्रोवाइड करवाए हैं WHO को, प्लस इससे पहले वो $20 मिलियन प्रोवाइड करवा चुका है। इसके अलावा उसने फिर से $30 मिलियन जो है WHO को प्रोवाइड करवाया है। RBI ने दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल और परचेस को अलाउ करा है, और इससे तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए आने की उन्होंने एस्टिमेट लगाया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन दोस्तों क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल और परचेस होती है जिसमें ट्रेजरी बिल्स अब भी आते कवर होते हैं। तो इसमें आप जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेस किया जाता है। इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है कि मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट करना। G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर की भी मीट हुई दोस्तों, और जिसको चेयर करा था सऊदी अरेबिया ने, और इसके जो इंडिया की तरफ से इसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने अटेंड करा है। तो SAARC और G20 दोनों के ही एग्रीकल्चर मिनिस्टर की मीटिंग हो चुकी है, वर्चुअल मीटिंग है दोनों ही। अमेरिका के साइंस बोर्ड में इंडियन अमेरिकन सुदर्शन बाबू को जो है एज अ मेंबर सिलेक्ट करा गया है इस वीक। अब कुछ बिजनेस न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। फेसबुक और जियो की डील हुई है जिसमें फेसबुक ने 9.9% स्टेक जो है वो जियो के खरीदे हैं, और ये डील जो है ये 5.7 बिलियन की है, तकरीबन 43,574 करोड़ की डील है, और ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा FDI है। FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उसने इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए -0.9% से 1.5% के पास बताई है। सभी जितनी बड़ी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, उन सब ने इंडिया की ग्रोथ रेट जो है अराउंड 2% 0 से 2% के बीच में ही इस ईयर के रहने को बताया गया है, क्योंकि COVID-19 के आउटब्रेक और नेशन वाइड लॉकडाउन की वजह से इंडिया की इस साल की ग्रोथ रेट कम रहने वाली है, ऐसा सबने प्रिडिक्ट करा है। CII ने भी 0.9% से 1.5% ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट करी है। CII का जो उसको फाउंडेशन हुआ था 1895, अभी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है ये, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इसके प्रेसिडेंट जो है विक्रम किर्लोस्कर है, किर्लोस्कर कंपनी के दोस्तों विक्रम किर्लोस्कर हैं, किर्लोस्कर एंड किर्लोस्कर आपने नाम सुना होगा, तो वो इसके प्रेसिडेंट हैं। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर बन गया है इस ईयर के लिए। अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 तक का टॉप एक्सपोर्टर रहा है केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इस पीरियड में दोस्तों तकरीबन 2.68 लाख करोड़ रुपीस का जो है वो एक्सपोर्ट हुआ है, और ये अपने टोटल एक्सपोर्ट का 14.35% है। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया का टॉप एक्सपोर्टिंग सेक्टर बना है। हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है वो DV सदानंद गौड़ा जी हैं। HDFC बैंक ने दोस्तों रिलायंस कैपिटल का 6.43% का स्टेक जो है इस वीक खरीदा है। HDFC बैंक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया, 1994 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, श्याम लाल गोपीनाथ जी इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, और आदित्य पुरी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है।
इंडिया और श्रीलंका के बीच में दोस्तों 400 बिलियन डॉलर का जो है करेंसी स्वैप हुआ है। इसमें दोस्तों क्योंकि श्रीलंका जो है वहां पर थोड़े से करेंसी, वहां पर इकोनॉमी तो डगमगा रही थी, करेंसी रिलेटेड दिक्कतें आ रही थी, तो इंडिया की जो RBI बैंक है वो श्रीलंका को 400 मिलियन डॉलर का जो है वो करेंसी स्वैप हो रहा है। करेंसी स्वैप फैसिलिटी जो है दोस्तों इसमें क्या होता है, जो RBI है वो 2 मिलियन फॉरेन करेंसी और रुपीज जो है वो स्वैप कर सकती है किसी भी SAARC मेंबर से। SAARC यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इनसे दोस्तों मैं स्वैप कर सकती है करेंसी। और लिक्विडिटी क्राइसिस जब आते हैं तब ये स्वैप फैसिलिटी जो है वो यूज की जाती है इन कंट्रीज के बीच में। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कंपनी जो बैंक जो है जिसे ये रिजर्व ये करेंसी चाहिए, ये पैसे चाहिए, वो अपने फंड बूस्ट कर लेती है और जो देने वाली कंपनी है मतलब RBI जो है वो अभी श्रीलंका की जो करेंसी है वो अपने हिसाब से डोमेस्टिक बैंक के यूज के हिसाब से अपने टर्म्स पे उसका यूज कर सकती है। तो ये 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप हुआ है और RBI जो है इसमें 2 मिलियन इन टोटल जो है करेंसी स्वैप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है SAARC मेंबर के बीच में। पंजाब नेशनल बैंक ने दोस्तों अपने जो IMPS चार्जेस हैं, जो इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के चार्जेस हैं, वो 100,000 रुपए तक के लिए जो है वो उन्होंने माफ कर दिए। अभी IMPS मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस होती है और ये इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिफरेंट बैंक के बीच में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है जो कि मोबाइल फोन और इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हैं। ये 24/7 फैसिलिटी रहती है और हॉलीडेज में भी ये चालू रहती है। अभी दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में जो है यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्जर भी हुआ है। तो ये IMPS चार्जेस और ये मर्जर दो इम्पोर्टेंट न्यूज है पंजाब नेशनल बैंक से रिलेटेड। अभी दोस्तों IIFL मैनेजमेंट लिमिटेड ने दोस्तों एक्विजिशन कराया 100% शेयर ऑफ L&T कैपिटल मार्केट लिमिटेड। ये डील जो है दोस्तों 2,230 करोड़ रुपए की हुई है। अभी गूगल ने भी अपना डेबिट कार्ड लेके आने की प्लानिंग कर ली है। एप्पल पे की जैसे एप्पल कार्ड की तरह गूगल भी जो है अपना डेबिट कार्ड वर्चुअल डेबिट कार्ड लेके आने वाला है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में एस्टेब्लिश हुई थी, ब्रिक्स कंट्रीज यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना 2014 में, उसने 1 बिलियन डॉलर प्रोवाइड करवाया है इंडिया को COVID-19 से फाइट करने के लिए और टोटल ब्रिक्स नेशन को उसने 5 बिलियन डॉलर की हेल्प प्रोवाइड करवाई है। जो ये नेशनल डेवलपमेंट बैंक है वो बेसिकली जो है ये इमर्जिंग कंट्रीज, ब्रिक्स नेशन और इमर्जिंग इकोनॉमीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को एक फंड प्रोवाइड करवाता है फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो 1 बिलियन डॉलर का असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया इंडिया को और ओवरऑल 5 बिलियन डॉलर का असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया गया है ब्रिक्स नेशन को। अब इस वीक के कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। संजय कोठारी जी जो जो हैं जो कि हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के सेक्रेटरी रहे हैं, उन्हें CVC नियुक्त किया गया है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो है इन्हें ओथ दिलाई है गोपनीयता की। इस वीक के अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जम्मू एंड कश्मीर को 3 नेशनल अवार्ड दिए हैं पंचायती राज डे पे। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जो है वो यहाँ की पंचायत है डांगर पंचायत जाजरो डिस्ट्रिक्ट की उसे मिला है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड जो है पंचायत जालूरा को मिला है जो कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट की है। और चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड पंचायत जामुला लोअर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजौरी को मिला है। स्पोर्ट्स न्यूज देख लेते हैं दोस्तों। मोहन बगान को आई लीग फुटबॉल चैंपियनशिप जो होती है उसका विनर डिक्लेयर कर दिया गया है। अर्जुन भाटी जो है दोस्तों ये
इंडिया के इमर्जिंग गोल्फ चैंपियन हैं और उन्होंने 2018 में वर्ल्ड जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप भी जीती है। कुछ दुखद खबरें होंगी दोस्तों इस वीक। जो ऑस्कर विनर एनिमेटर हैं टॉम एंड जेरी और पोपाई कार्टून के, जेन डिच, इनकी दोस्तों निधन हो गया है इस वीक। और इन्हें दोस्तों जेन डिच को मुंडो इनकी शॉर्ट फिल्म थी, इसके लिए उन्हें बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला था 1961 में। उषा गांगुली जी जो बहुत बड़ी रंगकर्मी रही हैं, इन्हें जिन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिला है, इनका निधन हो गया है दोस्तों। इन्होंने रंगकर्मी थिएटर ग्रुप का भी फाउंड करा था। सीईओ और एमडी बीएमडब्ल्यू के रुद्र तेज सिंह जो है, इनका भी दोस्तों निधन हो गया। 46 उम्र एज थे, इनका निधन हो गया है। इस वीक की इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। अर्थ डे मनाया गया दोस्तों 22 तारीख को, 22 अप्रैल को। इस साल की जो थीम थी वो थी क्लाइमेट एक्शन, और 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी 22 अप्रैल से। और इसको डेनिस हैंस जो अभी करेंटली चेयरमैन है अर्थ नेटवर्क के, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। अभी दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस भी था। ये जो यूरी गैगरिन है, जो कि पहली बार और जिन्होंने पहली बार ऑर्बिटल फ्लाइट ली थी 12 अप्रैल 1961 को, जिसको फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भी कहा जाता है। तो 12 अप्रैल 1961 को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट भी मनाया। उस दिन 12 अप्रैल 1961 से लगातार हर वर्ष 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्लाइट भी मनाया जाता है। और इस वीक की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हर दिन डिस्कस करते हैं, जैसे 21 तारीख को सेक्रेटरी स्टेट्स एंड सिविल सर्विस डे आता है, 22 अप्रैल को अर्थ डे आता है, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे आता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज डे आता है, और 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे आता है। इसमें दोस्तों इम्पोर्टेंट दो चीजें हैं, अर्थ डे और नेशनल पंचायती डे। तो दोस्तों ये था हमारे इस वीक का इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने 20 तारीख से 26 तारीख की सारी इम्पोर्टेंट न्यूज उसको कवर कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिल गई होंगी जो आपसे शायद इस वीक मिस हो गई। तो दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ शेयर को जरूर करिए। और आप लोग देखते रहिए द क्विक करंट अफेयर चैनल, जहाँ पर आपको हर करंट अफेयर क्विकली मिलेगा। थैंक यू।